बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात नारायणपुर से बड़ी खबर की, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ा अपडेट मिला है। एक और नक्सली का शव बरामद किया जा चुका है और अब तक कुल 31 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। 32 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 25 लाख का इनामी नक्सली कमलेश भेस में ढेर हुआ है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी और मौके से AK-47 SLR समेत कई हथियार भी बरामद किए गए। नेंदूर थुलथुली के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। सुबह फिर से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा। मुठभेड़ में एक DIG का जवान भी घायल हुआ है। बड़ी जानकारी नारायणपुर से, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ा अपडेट, और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो नक्सलियों को ढेर किया गया, उनके शव भी बरामद किए गए हैं। 31 को शव बरामद किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब तक के छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये नक्सली मुठभेड़ है, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों के जवान हैं, DRG हैं के जवान हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिली है और 31 जो शव है वो बरामद कर किए गए हैं। अभी जो इनामी नक्सली मारे जाने की भी सूचना इसमें है और सबसे खास बात यही है कि इस मुठभेड़ के बाद जिस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन जवानों ने चलाया, तो उसमें जो असॉल्ट राइफलें हैं, घातक जो हथियार हैं, वो भी बरामद किया गया है। और ये जैसे ही इसकी सूचना मिली, उसके बाद तत्काल जो है आवश्यक बैठक भी आहूत की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने एक हाई लेवल बैठक भी ली सुरक्षा बल के जवानों से, उन्होंने बातचीत भी किया है और उनके हौसला अफजाई भी किया है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा भी घायल जवान से मिलने के लिए अस्पताल गए हुए थे। तो ये है कि अब माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए जो राज्य सरकार है, सुरक्षा बल के जवान हैं, लगातार काम कर रहे हैं और जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें काफी जो तेजी भी आई है। 189 अब तक माओवादियों को मार गिराया गया है, वहीं 556 जो माओवादी है उन्होंने सरेंडर किया है। जी बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से 556 माओवादियों ने कुल अभी तक सरेंडर किया है और जो नक्सली लगातार हथियार थामते हुए नजर आते हैं, उनके खात्मा जल्द से किए जाने का दावा। और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले ही किया जा चुका है साफ कि अब नक्सलियों की जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर की। कुपवाड़ा में 2 आतंकवादी मारे गए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा में 2 आतंकवादी मारे गए, घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। और दरअसल ये जो 2 आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान इन्हें मार दिया गया है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया, एक बड़ी सफलता जवानों को, बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी मिल रही है। दरअसल घुसपैठ की कोशिश ये आतंकी कर रहे थे और घुसपैठ की कोशिश के दौरान ही जवानों ने इन्हें ढेर कर दिया। और चलिए अब रुक करेंगे सुपर